मेरा नाम मंजू है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा मायका दिल्ली में है और मिश्री गांव में मेरी शादी हुई थी दुष्यंत के साथ, जिनके पिताजी का नाम चंद्र प्रकाश है। विशंबर वाल्मीकि हल्का बोआणी खेड़ा से विधायक है। उसने मेरा घर बिल्कुल तोड़ तो क्या दिया, बिल्कुल ही मतलब मिट्टी में मिला दिया मेरा घर। उसके कारण आज मैं इतनी परेशान हूं कि मैं ना घर की ना मैं घाट की, मेरे दो बच्चे हैं, ना मैं मर सकती हूं ना जी सकती हूं। पर लेकिन अब मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज मैं जो भी हूं विशंबर वाल्मीकि की वजह से इस कगार पे खड़ी हुई हूं, क्योंकि उसने जो मेरा घर खराब किया है शायद ही कोई किसी दुश्मन के साथ करेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए सब किया है, क्योंकि उसकी बहन जो है वो मेरी जेठानी है। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगी, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है इस पर गौर करना, और हो सके तो मेरे इंसाफ के लिए कहीं गुहार लगाना, क्योंकि मेरे दो बच्चे, कोई खाली अकेली मैं ही आत्महत्या नहीं करूंगी, मेरे दो बच्चे भी मेरे साथ ही मर जाएंगे। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती कि मेरे बाद में मेरे बच्चे कहीं भीख मांगे या ऐसे दरिंदों के हाथ बलि चढ़े मेरे बच्चे। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी विधायक के कहने में ही चलते हैं, विधायक ने उसे पूरे तरह से अपने चंगुल में ले रखा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि आत्महत्या इंसान के लिए एक फाइनल फैसला होता है जब वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। इस विशंबर वाल्मीकि ने मुझे बिल्कुल और कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं आज मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं चाह रही हूं कि मैं कहीं फांसी लगा लूं या जहर खा लूं। मैं समझ नहीं पा रही, सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। मेरी मौत का जिम्मेदार अगर मैं फांसी लगा लेती हूं या जहर खा लेती हूं, मैं मर जाती हूं, तो मेरी मौत का जिम्मेदार विशंबर वाल्मीकि हल्का बोआनी खेड़ा से विधायक, यही मेरी मौत का कारण होगा। इसका जिम्मेदार विशंबर वाल्मीकि है, क्योंकि विशंबर वाल्मीकि ने मैं ऐसी कगार पर लाके खड़ी कर दी हूं कि मैं ना तो कुछ कहने लायक और ना कुछ सुनने लायक रह गई हूँ। 8 साल हो गए कोर्ट कचहरी से जूझते हुए। इसने मुझे वो दुख दे दिया है कि मैं समेट नहीं पा रही हूँ। इसने मुझे वो दुख दे दिया है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है, साथ में मेरे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो गई है। मेरे हस्बैंड को इसने ऐसा चस्का लगा दिया है कि मेरा हस्बैंड इसी के कहने पे, इसी के बातों पे, सब कुछ इसी का ही कहना मानता है। क्योंकि जो विशंबर वाल्मीकि की बहन है वो मेरी जेठानी लगती है, और मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड के नाजायज संबंध है। वो मुझे पता चल जाने पर मैंने जब उसका विरोध किया तो विशंबर वाल्मीकि को भी गुस्सा आया इस चीज़ पे कि मेरी बहन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सच्चाई बोली जा रहा, मैंने कुछ भी नहीं, गलत कुछ नहीं बोला, मैंने सच्चाई बोली है। इस सच्चाई बोलने पर मेरी आवाज़ दबाई जा रही है और मेरे कहना चाहूंगी कि आज अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं मर जाती हूँ।